You know what? Even summers are beautiful if you're at the right place at the right time. And this is the right place. This is Konkan. वैसे पिछले एक साल में दो साइक्लोन्स ने कोंकण को बहुत डैमेज किया है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती वैसे की वैसी है। चलिए मेरे साथ प्यारे से कोंकण के इस खुशनुमा सफर पर, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वी हेडेड आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्योंकि यहाँ पे इस खूबसूरत जगह पे पहुँच के मुझे आपको गुड मॉर्निंग विश करना था। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज 23rd of May 2021 और सुबह सुबह यहाँ पे आचरा टाउन के आसपास, एंड आई डोंट नो वेयर वी आर हेडेड, लेकिन कहीं तो अभी जाना है, कोई नया प्लेस देखना है। लेट्स सी आज का दिन अपने को क्या क्या दिखाता है, क्योंकि इस ट्रिप में प्लान तो कुछ है नहीं, सारे सरप्राइजेस ही हैं मेरे लिए भी और आपके लिए भी। चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम गए सीधा आचरा सी फेस पे और वहाँ जाने का रूट, एज आई ऑलरेडी सेड, इट वॉज इन इटसेल्फ अ साइट टू बिहोल्ड। इस बीच पर सिर्फ हम ही थे, ऑफ कोर्स ड्यू टू लॉकडाउन, बट इट अलाउड मी टू विटनेस दिस रेयर साइट ऑफ क्लीन अनएडल्ट्रेटेड गोल्डन सीशेल। After this, we left towards another marvelous place here in Konkan. इस place का नाम मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, आप guess करो और comment करो, and if you can't guess, go read the comments to find out. वैसे हमें जहाँ जाना था अपने काम से, वहाँ तो हम पहुँच ही नहीं पाए। This place is so badly hit by the recent cyclone कि 10 दिन गुजरने के बाद भी यहाँ रास्तों पर पड़े हुए पेड़ काट कर ख़त्म नहीं हुए थे। This was quite a spoiler and we had no option but to return to Acha. You know what? Most of you think that a travel blogger lives a dreamy life, पर ऐसा होता नहीं है। Many a times things don't happen the way we expect and we have to live with it. इस पूरे दिन में अगर कुछ अच्छा था ना, तो सिर्फ यह डिलीशियस होममेड फूड और ढेर सारे आम। वन फाइनल टाइम टू से गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल लोकेशन एज वी प्रिपेयर टू स्टार्ट आवर रिटर्न जर्नी, बट नॉट बिफोर वन मोर राउंड ऑफ मैंगोज, वो भी चाय के साथ।
हर ट्रिप जो शुरू होती है ना उसको कहीं ना कहीं पे ख़त्म तो होना ही होता है, इस ट्रिप को भी ख़त्म होना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ख़त्म होने का मतलब अपने को सैड रहना है। रिटर्न जर्नी जो है ना उतना ही एक्साइटिंग है और उतना ही थ्रिलिंग है जितना आने का जर्नी था। रीज़न बीइंग द रूट इज़ चेंज्ड वंस अगेन। जाते टाइम जो रूट लिया था आधानगरी घाट वाला, वो रूट अभी नहीं लेने वाले। दिस टाइम वी आर गोइंग वाया गगनबावड़ा। गगनबावड़ा घाट अगर आपको पता है, आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये घाट कैसा है। अगर नहीं पता है तो चलो देखते हैं। मंडळी कसा काय वाटला आमचा छोटासा कोकण दौरा? वेल, गगनबावड़ा के बाद मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं किया। रीज़न बीइंग, एक तो हम डे टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सी जगह पे बहुत सारा चेकिंग चल रहा है, और हर 40-50 किलोमीटर में एक चेक पॉइंट तो है ही। हर जगह पे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ रहे हैं, हर जगह पे सब डिटेल्स देने पड़ रहे हैं। ऑफकोर्स हमारे पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड रीजंस हैं, लेकिन कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है, फिर भी ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर भी वो लोग पुलिस से झगड़ा कर रहे हैं कि उनको क्यों नहीं ट्रैवल करने दिया जा रहा है। आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट महाराष्ट्र पुलिस फॉर द वे दे आर हैंडलिंग दीज पीपल। और उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, भाई आपको लॉकडाउन पसंद है या नहीं है ये आपका ओपिनियन है, लॉकडाउन सही है या गलत है ये डिबेटेबल चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन लॉकडाउन फॉलो करना या ना करना ये ऑप्शन नहीं है। अगर आप फॉलो नहीं करते ना रिस्ट्रिक्शंस तो आप रूल ब्रेक कर रहे हो, और वो करना किसी भी मतलब कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है उसके लिए। आपको पसंद हो या ना हो, बाद में उसके बारे में झगड़ा करो, केस करो, लड़ो, जो करना है करो। अभी जो रूल्स इम्पोज किए हुए हैं उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। एनीवेज, मैं आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता। यहाँ पे सनसेट होने वाला है खूबसूरत सा, तो सोचा कि अंधेरा होने से पहले व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दूं। राइट नाउ वी आर जस्ट बिहाइंड पुणे, तो अभी ऑलमोस्ट 150-160 किलोमीटर्स जाना है घर तक, तो पहुंचने तक 10-10:30 बज जाएंगे रात के। सो इस कोकण ट्रिप की कहानी को यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले आपको एक छोटा सा नजराना तो दे के जाऊँगा मैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना कि पूरा दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। व्लॉग नहीं शूट किया लेकिन ड्रोन शॉट्स तो लिए, और ऐसी जगह के ड्रोन शॉट्स लिए जो देख के आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि मैंने यहाँ तक इस व्लॉग को देख के कोई गलती नहीं की। तो इस प्यारे से खूबसूरत नज़ारे के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।